नमस्कार दोस्तों, हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं हूं रायपुर में और आपको लेकर चल रहा हूं स्वामी विवेकानंद सरोवर उद्यान। बता दें कि बूढ़ा तालाब के नाम से यह जो क्षेत्र प्रसिद्ध है, बहुत ही काफ़ी सुंदर तालाब है और काफ़ी विशाल है और काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती, तो वही मैं आपको दिखलाऊंगा। तो चलिए चलते हैं हम विवेकानंद सरोवर। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं स्वामी विवेकानंद गार्डन बूढ़ा तालाब रायपुर में और देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा गार्डन बना हुआ है। दोनों ओर जो है काफ़ी सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हैं और साथ ही बता दूं मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी विशाल सा तालाब है यहाँ पर। ये देख सकते हैं दूर दूर तक केवल आपको पानी ही पानी नज़र आएगा और बीच शहर में इस प्रकार का तालाब होना भी काफ़ी अच्छी बात है। तो ये देख सकते हैं इधर भी पानी है और उधर भी पानी है और बीच में इस प्रकार से गार्डन डेवलप किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं यहाँ का जो गार्डन है कैसा है। और मैं समझता हूँ कि रायपुर जैसे इस मतलब भारी बिजी शहर में इस प्रकार का गार्डन होना काफ़ी अच्छी बात है। तो देख सकते हैं गार्डन की खूबसूरती और मैं तालाब का एक बिल्कुल क्लोज लुक आपको दिखलाता हूँ। तालाब का देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है और गर्मी के समय बता दूँ यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है शाम को और सुबह और दोपहर में भी, जिन्हें की सुकून पसंद है, आराम पसंद है, वो लोग ऐसे लोग यहाँ पर ज़रूर आते हैं। काफ़ी लंबा स्पेस है इस गार्डन में और मॉर्निंग वॉक के हिसाब से काफ़ी अच्छा है और इवनिंग वॉक के हिसाब से भी जो लोग पैदल चलना पसंद करते हैं तो उनके लिए काफ़ी ठीक है, आना जाना घूमना फिरना भी हो जाएगा उनका और सेहत भी बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। तो चलिए चलते हैं जहाँ पर मुख्य प्रतिमा है स्वामी विवेकानंद जी महाराज की, तो वहाँ पर चलते हैं और दिखलाते हैं। और हालांकि यहाँ मेरा पहली बार आना हुआ है, इससे पहले मैं कभी नहीं आया था। दूर से कई बार देखा हूँ, जब भी यहाँ आता था तो किसी भी काम से अगर जाता था तो दूर से देखा करता था। तो चलिए आज अवसर प्राप्त हो गया है तो आने का, तो आपको भी दिखला दूँ लगे हाथ। और यहाँ गार्डन में कई प्रकार के निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि सेल्फी लेना खतरनाक है, वास्तव में खतरनाक तो होता ही है सेल्फी वगैरह लेना। और यहाँ पर जो है तो भगवान जी का मंदिर भी है काफ़ी सुंदर सा, तो देख ही सकते हैं यहाँ बैठक व्यवस्था के लिए बनाया गया है और हो सकता है आने वाले समय यहाँ पे कुछ कार्यक्रम भी होते होंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर सा प्रतीत होता है, तो चलिए चलते हैं दिखलाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जो भव्य प्रतिमा है यहाँ पर काफ़ी सुंदर सा प्रतीत हो रहा है और उतना ही सुंदर यहाँ तालाब का जो मनोरम दृश्य है काफ़ी अच्छा लगता है। चारों जल राशि अथाह जल राशि आपको देखने को मिल रही है और इसके साथ ही इस प्रकार का दृश्य। और बता दें कि रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वैसे तो सभी जानते हैं और काफ़ी व्यस्त शहर है अन्य शहरों की तरह यह भी, और यहाँ अगर सुकून के पल आप चाहते हैं तो आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। और यह जो क्षेत्र है मतलब यह तालाब है, बूढ़ा तालाब के नाम से जाना जाता है और बिल्कुल बूढ़ा तालाब के मध्य में जो है स्वामी विवेकानंद जी महाराज की यहाँ पे विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। तो अभी हम आ गए हैं बूढ़ा तालाब पार्क के दूसरे छोर पर, मतलब ये नया पार्क है मैं बता दूं। और यहाँ पर अभी अभी ये मतलब मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल पहले बना होगा, तो काफ़ी अच्छी साज सज्जा की गई है यहाँ पर पार्क में और शाम के समय यहाँ पर समय समय पर कई सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाइएगा, अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। चैनल में नए हैं तो हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारा शहडोल यूट्यूब चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।